नहीं, मैं काय को स्पष्टीकरण दू? सकल हिंदू समाज की ये डिमांड है कि हमारे नवरात्र जब भी 9 दिन के शुरू होंगे तभी जब भी डांडिया खेला जाएगा, तो उस डांडिया में आने वाले जो लोग हैं वो हिंदू समाज के होने चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, बहुत बड़े पैमाने पे लव जिहाद के और धर्मांतर कन्वर्जन के केसेस, धर्मांतर के केसेस इस टाइम पे आते हैं, होते हैं। हमारे हिंदू बहनों को इस झूठ बोल के फंसाया जाता है। कई लोग जो धर्म हमारे धर्म के भी नहीं होते हैं, वो उस डांडिया में भगवा अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं, अलग अलग मतलब मफलर पहन के आते हैं और खुद को हिंदू बताते हैं। तो हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स को इसी तरह का आह्वान किया है कि आपने गेट पे ही अगर हर एक का आधार कार्ड चेक किया और जो हिंदू समाज का हमारा जो त्यौहार है उसके लिए अगर हिंदुओं को ही अगर अंदर भेजा, उनको ही अगर अंदर खेलने के चांस दिया, तो हमारा जो हिंदू समाज की जो बहनें हैं उनको किसी भी तरीके की तकलीफ होगी नहीं या किसी भी तरीके से फंसाया नहीं जाएगा। ऐसी हमारी सीधी सीधी डिमांड है। लेकिन आपके इस बयान के बाद विजय वडेट्टीवार ऐसा कहते हैं कि ऐसा हर बार क्यों होता है कि चुनाव आते हैं फिर बीजेपी ऐसा स्टेटमेंट करती है? कौन सा चुनाव आया है? कह रहे हैं लोकसभा चुनाव नजदीक है तो नीतीशा ने ऐसे विवाद फैला रहे हैं लव जिहाद के। मैं सीएम को भी लेटर लिखने वाला हूं कि ऐसे स्पीचेस ना दे लीडर्स, तो किस तरह से देखिए? देखिए, हम हिंदू समाज के ऊपर जो कुछ आक्रमण जिहादियों के हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग कह रहे हैं और हमारे पास एविडेंसेस है। जिस हिसाब से इस तरीके के त्यौहार में अभी जिसके जो धर्म में मूर्ति की पूजा ही की नहीं जाती है वो आके नवरात्र में क्या करेंगे? फिर वो कौन से इंटेंशन से नवरात्र में आ रहे हैं? और अगर उनको आना ही है, अगर उनको हिंदू त्योहारों में अगर हिस्सा ही लेना है तो चलो हम उनको हिंदू बना देंगे, हम उनका धर्मांतर करने को हम तैयार है। हमारे पास हिंदू विचार की संस्थाएं हैं जो उनको हिंदू बनने को वापस हमारे धर्म में लेके आने के लिए मदद कर सकते हैं। इसलिए जो भी उस हमारे डांडिया में या नवरात्रि उत्सव में हिस्सा लेगा वो हिंदू समाज का ही होना चाहिए। इसी तरीके का आह्वान मैंने ऑर्गेनाइजर्स को किया है। केसेस कुछ हैं आपके पास?